नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू DIYJ. के दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपके एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ. मेरे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन की भरमार पड़ी हुई है कि ऑटो कट में प्रॉब्लम आ गई, उसको रिपेयर कैसे करें. तो दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम्स ऑटो कट की हैं, उनका रिपेयरिंग हो सकती है और कुछ की नहीं हो सकती है. आज मैं रिपेयरेबल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे घर बैठे ही आप इन प्रॉब्लम्स का हल कर सकते हैं. तो दोस्तों, ये है मेरे पास जो पंप, ये मैंने नया पंप मंगाया हुआ है. ये JPT 2400 का पंप है और RS3+ में भी यही पंप यूज़ होता है और कुछ और मॉडल्स में भी यही पंप यूज़ होता है. तो मेथड सेम रहेगा, चाहे आपके पास कोई भी ब्रांड का प्रेशर वॉशर हो तो आप इसी तरीके से उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे. ये दो वायर्स हैं जिनके थ्रू पंप जो है प्रेशर वॉशर से अटैच्ड होता है. तो आपने कलर के हिसाब से इन वायर्स को दोबारा से जोड़ देना है. और ये है मेन ऑटो कट मैकेनिज़म, जिसको आप ओपन कर सकते हैं नीचे दिए हुए दो पिंस को अनपिन करके. तो इन पिंस को ओपन करने के लिए आपको एक हैमर की ज़रूरत है और एक नोकीली चीज़ की ज़रूरत है, जिससे आप इन पिंस को बाहर निकाल सकें. उसके बाद थोड़ा सा ज़ोर लगा के इस पूरे मैकेनिज़म को आप आसानी से बाहर निकाल सकते हैं. तो जब आप बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर ये स्प्रिंग टाइप का मैकेनिज़म है. दोस्तों, ये मैकेनिज़म जब प्रेशर बनता है प्रेशर वॉशर के पंप के अंदर, तो ये मैकेनिज़म लिफ्ट होता है. और जब लिफ्ट होता है तो अंदर का फिर जो भी इसके अंदर का जो सिस्टम है ऑटो कट के अंदर का, वो एक्टिवेट होता है. तो वो हम खोल के देखते हैं कि अंदर का क्या सिस्टम है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्प्रिंग है, ये कनेक्टेड है एक रॉड से और ये रॉड एक स्विच को एक्टिवेट करती है, जिससे प्रेशर वॉशर ऑन ऑफ होता है. तो मेन सारा फंडा यही है. तो यहाँ पे आप देखिए, ये ऑन वाली पोजीशन है, ये ऑफ वाली पोजीशन है. किसी किसी प्रेशर वॉशर में ये स्विच जो है, रेड स्विच जो है, जब ये प्रेस होता है तो प्रेशर वॉशर ऑन हो जाता है, और किसी किसी में ये प्रेस जब होता है तब प्रेशर वॉशर ऑफ होता है. दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है. तो क्या होता है कि एक्सेसिव यूज़ की वजह से ये जो रॉड और स्विच के बीच का जो स्पेस है, इसका जो प्लास्टिक है वो घिस जाता है, और ये रॉड जो है, ये प्लास्टिक की जो रॉड है, ये स्विच को, रेड स्विच को ऑन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से या तो प्रेशर वॉशर ऑन नहीं होता है या फिर कॉन्टीन्यूसली ही ऑन हो जाता है. तो आपको करना बस इतना होता है कि इस मैकेनिज़म को खोलना है और इस रॉड के बीच में और इस रेड स्विच के बीच में एक स्टफिंग, एक पैकिंग डाल देनी है, और उस पैकिंग की वजह से जो एम्प्टी स्पेस है वो फिल हो जाएगी और ये ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा. इससे अगर छोटी मोटी ऑटो कट की प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी. इसके बाद दोस्तों, इसे मैकेनिज़म को बंद कर दीजिए और दोबारा से पंप में इंसर्ट कर दीजिए. बट पंप में इंसर्ट करने से पहले जो स्प्रिंग वाला एरिया है, यहाँ पर अच्छे से ग्रीजिंग करके फिर उसके बाद पंप में इंसर्ट करिएगा. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे ग्रीजिंग कम हो जाती है, क्योंकि ये मूविंग पार्ट है, ऊपर नीचे होते रहता है, ग्रीज कम हो जाती है और कार्बन वगैरह की एक्युमुलेशन हो जाती है और इसकी मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है. तो उससे भी क्या होता है कि ऑटो कट में प्रॉब्लम आ जाती है. तो इसे ग्रीज्ड रखिए ताकि ये ऊपर नीचे आराम से जाए और ऑटो कट प्रॉपरली अच्छी तरह से एंगेज होता रहे. तो दोस्तों, ये थी कुछ सिंपल रेमेडीज़ जो आप घर में ही ट्राई कर सकते हैं अगर आपका ऑटो कट एक्सेसिव यूज़ की वजह से अब ख़राब हो गया, एंगेज नहीं हो रहा है. अगर ये रेमेडी वर्क नहीं कर रही है तो मेरी रिकमेंडेशन फिर यही रहेगी कि आप पंप की रिप्लेसमेंट करवा लीजिए. इसकी कॉस्टिंग जो है वो 2000 से लेकर 2500 के बीच में है. जिस भी ब्रांड का प्रेशर वॉशर है उस ब्रांड से कॉन्टैक्ट करके आप ये पंप मंगवा सकते हैं. सबके पास ये पंप्स अवेलेबल रहते हैं. दोस्तों, आप दीजिए मुझे इजाज़त. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और ऐसे जैसे और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर कमिंग टू DIYJNK. बाय बाय.